यानी दूषण से दूर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए 108 बार ईश्वर का नाम लेते हैं, या जिस भी देवता का, देवी का आप पूजा करते हैं उसकी आराधना करने से उस राशि के ऊपर, उस राशि में या नक्षत्र में जिसमें भी आप पैदा हुए उस नक्षत्र के क्वार्टर में, यानी 108 क्वार्टर होते हैं, टोटल 108 चरण होते हैं, उन 108 चरणों में से किसी भी एक चरण में पैदा हो रहे हैं आप, आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन सब की रक्षा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। अब देखिए अगली जो चार राशियां हैं, चलिए यहां लेते हैं पांचवी राशि, छठवीं राशि, सातवीं और आठवीं, चार चार राशि, इसमें भी नौ नक्षत्र आएंगे, प्रोसेस यही रहेगी, यानी जो तरीका है, मेथड है वो यही होगा, डिग्रियों को डिवाइड करने का, नक्षत्रों को रखने का सेम प्रोसेस है। तो पहला नक्षत्र जिसमें अब आएगा, देखिए आठ नौ नक्षत्र यहां पर आ गए, दसवां नक्षत्र पूरा दसवां नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का, 20 मिनट का प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, प्लस 26 हो गया, और लास्ट ये तीसरा नक्षत्र का पहला चरण या 3 डिग्री 20 मिनट, योग पूरा 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट छठवीं राशि, ये इसके कहते हैं सिंह राशि, लियो साइन और सिंह राशि, योग पांचवी नंबर सिंह राशि, छठवीं नंबर ये है कन्या राशि, ठीक है, कन्या राशि, और ये तुला राशि सातवां नंबर, तुला राशि आठवां नंबर, ये वृश्चिक राशि हो गई, वृश्चिक राशि, राइट, ये वृश्चिक राशि हो गई आठवां नंबर, और सभी 30 डिग्री की होती है, तो मैं इनको इस तरह से नक्षत्रों में डिवाइड किया था। अब देखिए नेक्स्ट नक्षत्र, अब ये तीसरा जो नक्षत्र था, यानी ये दसवां ग्यारहवां बारहवां नक्षत्र, बारहवें नक्षत्र का 3 डिग्री जो 3 चरण बचे हैं 10 डिग्री के, वो यहाँ रख दिया, प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, 10, 11, 12 नक्षत्र, 13 नक्षत्र, 14 नक्षत्र, उसकी 6 डिग्री 40 मिनट, प्लस बचे दो चरण और बचे, तो 6 डिग्री 40 मिनट अगली राशि में पहुंच जाएंगे, प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, प्लस 10 डिग्री 3 चरण। अब देखिए 10 डिग्री 10 डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट 6 डिग्री 40 मिनट, ये इस तरह से रखते हैं सिंपल। आठवीं राशि में फिर अब 10 डिग्री में से एक चरण बचा, 10 डिग्री का मतलब 3 चरण हो गए, 3 डिग्री 20 मिनट 3 डिग्री 20 मिनट 3 डिग्री 20 मिनट, इस तरह 3 बार जोड़ोगे तो 10 डिग्री आ जाएगा, 10 डिग्री को हो गया बचा एक चरण, चौथा चरण वो 3 डिग्री 20 मिनट का बचा, बाकी दो नक्षत्र पूरे पूरे रहेंगे 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट, इस तरह से ये कितने नक्षत्र हो, 18 नक्षत्र हो जाएंगे। आप देख कैसे ये दसवां नक्षत्र, असली सही बात में मघा, पूर्व फागुन, उत्तर फागुन, हस्ता, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ज्येष्ठा 18 नक्षत्र होता है, अंडा नक्षत्र जो 17 नक्षत्र है जिसमें मोदी जी और सरदार पटेल जी पैदा हुए नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि का होता है, तो उसके सेकंड क्वार्टर और तीसरे क्वार्टर में, यानी तीसरा चरण और दूसरा चरण, दूसरे चरण में मोदी जी पैदा हुए, तीसरे चरण में सरदार पटेल जी पैदा हुए, इस तरह से नक्षत्र के किस चरण में पैदा हुए, अगर सेम नक्षत्र है दोनों का समान नक्षत्र है उस नक्षत्र के किस चरण में पैदा हुए, कभी भी दोनों एक ही नक्षत्र में एक ही चरण में पैदा हो सकते हैं, इसमें कोई रोड को नहीं है, साहब एक नक्षत्र में एक चरण में ही कोई पैदा होगा, कई लोग पैदा हो सकते हैं, लाखों हजारों हो सकते हैं, लेकिन उनकी डिग्री वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, हल्का डिग्री का डिफरेंस हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इस तरह से, यानी 1 डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट का होता है,
उनमें मिनट का डिफरेंस हो सकता है, डिग्री का डिफरेंस हो सकता है, कोई एक डिग्री पर है, कोई दो डिग्री पर है, कोई तीन डिग्री पर है, खाली कोई तीन डिग्री पांच मिनट पर है, कोई तीन डिग्री दस मिनट पर है, इस तरह से डिफरेंस आ सकती है। इसलिए ऐसे हर नेटिव डिफरेंट होता है, थोड़ी सी माइन्यूट डिफरेंसेज आ सकते हैं, अगर सेम स्त्र भी है सेम चरण भी है तो डिग्री वाइज सेम डिफरेंट हो सकते हैं, भाई कभी भी सेम हो सकते हैं डिग्री वाइज, ऐसा कोई नहीं, राशि लेकिन डिफरेंट हो सकती है अलग अलग कंट्रीज के लोकेशन के हिसाब से, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके हिसाब से उनकी जो पोजिशन है अलग अलग हो सकती है, ट्रांजिट ट्रांजिट ऑफ फ्रेंड्स अलग अलग हो सकता है ग्रहों का। इस तरह से नौ नक्षत्र ये हो गए है ना, अठारहवा नक्षत्र तक पूरा हो गया, ज्येष्ठ नक्षत्र ज्येष्ठता के बाद में जो अगले नौ नक्षत्र है उनको अगली राशियों में रखा गया, चार राशियों में, कौन कौन सी राशियां वो अगली वाली आठवीं के बाद में नवी राशि, नवी राशि कौन सी होती है, धनु राशि, धनु राशि, धनु राशि, मकर राशि, जैन ग्यारह नंबर कुंभ राशि, कुंभ राशि एंड बारवा नंबर मीन राशि, ये बारह राशियां होती हैं। इसका मतलब बाकी जो नौ नक्षत्र बचे नौ नक्षत्रों को इसमें रखा जाएगा, डिग्री वाइज वही वैसे तो ये तीस डिग्री का ही होता ही, ये भी तीस डिग्री हो गया, ये तीस डिग्री होगा टोटल, टोटल आप सबको जोड़ोगे तो तीस डिग्री सभी राशियां आई, अगली राशि भी तीस डिग्री की होती है, तो देखें तीस डिग्री इसको भी सेम डिवाइड करेंगे, अभी सेम प्रोसेस है, तीस डिग्री ये भी तीस डिग्री का हो गया, ये भी तीस डिग्री की हो गई, अब सेम प्रोसेस तेरह डिग्री बीस मिनट प्लस तेरह डिग्री बीस मिनट प्लस तीन डिग्री और बीस मिनट हो गई, तीन डिग्री बीस मिनट ये फर्स्ट चरण तीसरे चरण तीसरे नक्षत्र का नेक्स्ट नक्षत्र का, तो ये कौन सा हो गया उन्नीसवा नक्षत्र बीसवा नक्षत्र और इक्कीसवा नक्षत्र, इक्कीसवें नक्षत्र का पहला चरण इस राशि में धनु राशि में आ गया। अब इसके जो तीन चरण बचे हैं जो कि 10 डिग्री होते हैं वो अगले नक्षत्र में आएंगे, प्लस 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 6 डिग्री 40 मिनट बचेगा, दो चरण अगले वाले नक्षत्र के, ठीक है। अब यहाँ पर भी 6 डिग्री 40 मिनट बचा, दो चरण वहां गए, दो चरण यहाँ आएंगे नेक्स्ट में, फिर 13 डिग्री 40 मिनट प्लस 10 डिग्री, ठीक है ना, अगले 10 डिग्री के बाद में बचा एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का प्लस 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट, इस तरह से टोटल हमारे 27 नक्षत्र हो जाते हैं। उनके नाम पढ़ देता हूँ, मूल नक्षत्र से स्टार्ट होता है, 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र, राइट, मूल पूर्व फागुन उत्तर फागुन हस्ताचित्र सॉरी इसके बाद पूर्व पछवाड़ रहेगा, मूल पूर्व पछवाड़ उत्तर साड़ श्रवण, अभी पूर्व पछवाड़ आया उत्तर साड़ सॉरी मूल पूर्व पछवाड़ उत्तर साड़ श्रवण धनिष्ठा शत्रुविशा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और रेवती, 27 नक्षत्र हो गए पूरे। इस तरह से 19वां नक्षत्र से स्टार्ट होकर 27 नक्षत्र तक यानी नौ नक्षत्र जो अगले वाले हैं, 19वां नक्षत्र 20वां नक्षत्र दो तो ही हो गए, बाकी सात बचे तो 19 टोटल हो गए, टोटल मतलब 27 हो गए, तो 27 नक्षत्र टोटल इस तरह से 12 राशियों के अंदर चार चार राशियों में नौ नौ नक्षत्र आ जाते हैं, उनकी इस तरह से डिवीजन होता है डिग्री वाइज, आप देखोगे 30 डिग्री आ गए, प्रोसेस लगभग सेम जैसी है, सिर्फ आपके नक्षत्र के नाम याद होने चाहिए, किस नक्षत्र के अंदर कौन सा नेटिव पैदा हुआ है, कौन सा जातक पैदा हुआ है, उस जातक का चरण बनता है, किस चरण में पैदा हुए। अब आते हैं हम इन चरणों के हिसाब से जो टोटल 27 नक्षत्र हो गए हमारे, अश्विनी भरनी कृतिका रोहिणी मिश्रा आद्रा पुनर्वशी पुष्य अश्लेषा मगर अश्लेषा तक नौ नक्षत्र हो गए पूरे, यहाँ तक हो गया पहली चार राशियां,
ja, asli sagen wir mal pur phagun uttar phagun hasta chitra swati vishakha andoda aur jyeshta ya 18 chatro ke 18 ki baat 19 mul mula purva shad uttar shad shravan dhanishta satvisha purva baat pe uttar baat pe revti is tarah se 23 mein total jaate to 9 chatron ko char char raston mein is tarah se rakha gaya. अब एक नक्षत्र के जो चार चरण होते हैं जो 3 डिग्री 20 मिनट का 3 डिग्री 20 मिनट का इस तरह होता है, इन सब नक्षत्रों के चरणों के हिसाब से और नक्षत्रों के नंबर के हिसाब से ऋषियों ने कंठी माला का जो नंबर है टोटल 108 रखा. इस 108 को अब जैसे 108 को रखने से ये क्या होता है, 108 रखा आपने और भी जितने भी, अब देखिये इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का जो रिसर्च है वो जैसे आजकल भी जो रिसर्च है, आई मीन मोस्टली लेफ्टिस्ट जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं, लेफ्टिस्ट जो हिस्टोरिकल पर्सन हैं, हिस्टोरियंस हैं, इतिहासज्ञ हैं, और वो है पता क्या क्या कमियां निकालते हैं उनको, क्योंकि नॉलेज बेसिकली नहीं है इंडिया के बारे में. क्योंकि इंडियन जो बेसिक्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के और वैदिक साइंस के वैदिक मैथमेटिक्स के वो यहाँ से, और जैसे शुरुआत में क्या था कि जब इंग्लिश पीपल यहाँ पे आए तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं ये अरबियन लेटर्स कहलाते हैं, अरबियन लेटर्स, क्योंकि अरब से यूरोप में गए. यूरोपियन लोगों को जब मालूम पड़ा कि ये न्यूमेरिकल नंबर्स, ये नंबरिंग जो नंबर्स हैं 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 and 9 तक, ये जो न्यूमेरिकल नंबर्स लिखने का जो तरीका है वो अरब से उनके पास पहुंचा, इसलिए वो उनको सबसे पहले अरबियन लेटर्स बोलते थे. लेकिन अब ये रिसर्च पाई गई कि इंडिया से अरब में पहुंचे, यानी भारतीय या जो वैदिक ऋषियों ने नंबर दिया है, वेद में सब नंबर्स पाए जाते हैं, है ना, वैदिक जो मैथमेटिक्स है उससे जो नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल्स जो न्यूमरल्स हैं, नंबर्स 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 up to 9 तक, और उनका नंबरिंग बाद में जो भी एडिशन होता है, ये नंबरिंग सिस्टम है ये इंडिया से अरब में गया. क्योंकि पहले ट्रेड रिलेशन होते थे, ट्रेडर्स इंडिया में आते थे, इंडिया से ट्रेडर्स वहां जाते थे, वहां पे मतलब अरब से इंडिया में ट्रेडर्स आते थे, तो वो ट्रेडर्स यहाँ स्टडी करते थे, उनके थ्रू नंबरिंग सिस्टम कैसे चीजें मनी कैसे ऐड करते हैं क्या करते हैं, तो वो नंबर सिस्टम अरब में गया. अब अरब से ट्रेडर्स उधर भी जाते थे यूरोपियन कंट्री में, इसलिए अरब से जो नंबर सिस्टम वो अरब से यूरोप में गया. तो यूरोपियन लोगों को सबसे पहले मालूम पड़ा कि ये जो नंबर हैं वो अरब से आए, वो अरबी लेटर्स लिए उनको बोलते थे. लेकिन नाउ अब ये एस्टाब्लिश हो गया कि जो न्यूमरस नंबर्स, पहले वो अरबी लेटर्स बोलते थे, अब ये हिंदू लेटर्स या इंडियन लेटर्स हैं या वैदिक लेटर्स हैं और वैदिक नंबर्स हैं, तो इसलिए वैदिक न्यूमरल्स बोलते हैं इनको. ये जो नंबर्स है, नंबर सिस्टम है 0 से लेकर 1, 2, 3, 9 तक, और बाद में एडिशन करना, नंबरों को ऐड करना, ये सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब मैं वैदिक मैथमेटिक्स जब पढ़ाऊंगा, वैदिक मैथमेटिक्स का बहुत सारा सब्जेक्ट है, उसको भी मैं पूरा करना चाहूंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पूरा करने के बाद में. जब उसमें लूंगा तब बताऊंगा किस तरह से मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा हम करते हैं, और उसे करने से जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिशन द्वारा बैठते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से फास्ट हो जाता है. उसको समझने से, वैदिक मैथमेटिक्स को समझने से आपको फास्ट मैथमेटिक्स आ जाता है, मैथ्स में बहुत फास्ट हो जाता है. तो ऋषियों को इस तरह से न्यूमरल्स नंबर आते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये सब डिवीजन वगैरह इस तरह इजिली करते थे. वो मैथड्स आप समझोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो समझोगे कि यस दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स विच इज इन्वेंटेड बाय द इंडियंस ओनली, नॉट बाय अरबियंस और बाय अदर यूरोपियन कंट्रीज. तो नंबर सिस्टम जो था वो इंडिया से वहां पे गया, अरब में, अरब से यूरोपियन कंट्री में गया. यूरोपियन लोगों को हालांकि अरब के थ्रू मालूम पड़ते थे, इसलिए वो पहले उनको अरबी लेटर्स बोलते थे, लेकिन नाउ अभी एस्टाब्लिश हो गया 100% ट्रू है कि इंडियन लेटर्स हैं ये, इंडिया से ही वहां पे गए थे अरब में. ठीक है, इसलिए ये न्यूमेरिकल सिस्टम है, ये हमारा 108 जो नंबर जो कंट्री माला में नंबर होता है, ये ऋषियों ने इसलिए रखा है क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है इसका. पहले एस्ट्रोलॉजिकल रीजन निकाला, उसके बाद में तपस्या करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए 108 मनके की और मूर्तियों की माला बनाई गई. उस माला को बार बार रिपीट करने से, ईश्वर का नाम लेने से, जितनी बार नाम लोगे 108 को रिपीट करोगे उतनी बार ईश्वर आपके प्रति ज्यादा लगाव हो, लगन से आपको कंसंट्रेशन चाहिए. कंसंट्रेशन से जो पूजा करते हैं, माला को बार बार घुमाते हैं नाम लेने करके, तो उनके ऊपर उस ईश्वर की, उस जिस भी देवता की वो पूजा करते हैं, उपासक हैं, उनकी उपासना करने से उनके ऊपर उनकी ब्लेसिंग आती, आशीर्वाद आता है. उस आशीर्वाद की मदद से, हेल्प से, उनके जितने भी पारिवारिक लोग हैं, जितने भी जातक हैं उनके परिवार में पैदा होने वाले उस जातक के, वो सभी के ऊपर कृपा हो जाती है. इसलिए 108वां मंदिर फैलने से किसी भी क्वार्टर में, किसी भी चरण में पैदा होने वाला प्राणी, वो ईश्वर की उसको ब्लेसिंग्स मिल जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है. उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए 108 मन के घुमाने के लिए, ईश्वर का नाम लेने के लिए
ये फ्रंट की माला बनाएगी और वो एस्ट्रोलॉजिकल हॉरिजन करेगी, एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल रीजन। एस्ट्रोनॉमिकल पहले निकाला कि न्यूमेरिकल सिस्टम है, इसलिए इस तरह से नक्षत्रों को डिवाइड करके पूरा ज्योतिष सिस्टम को 127 नक्षत्रों पहले डिवाइड किया, फिर एक नक्षत्र को चार पार्ट में डिवाइड किया, टोटल मिलाकर 108 चरण हो जाते हैं। टोटल 108 चरण हो रहे हैं, 108 चरणों की को बार बार उनके नाम लेने से, 108 बार ईश्वर का नाम लेने से हर चरण में पैदा होने वाले जातक का नेटिव का के ऊपर ब्लेसिंग्स आ जाती है ईश्वर की। इसलिए 108 बार मन की घुमाने के लिए लोग या जो प्रीचर होते हैं, गुरु लोग होते हैं या जो भी आपके वो होते हैं सलाहकार होते हैं, वो आपको सलाह देते हैं कि भाई आप इस तरह से यस। तो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं गीता में अर्जुन से कि हे अर्जुन, जितने धर्म को बार बार कह रहे हो कि मेरा पिता के प्रति धर्म क्या होगा, मेरे जो गुरु हैं गुरु मेरे से लड़ाई करेंगे उनके प्रति मेरा धर्म है उसको मैं फॉलो करूं या आपकी बात मानूंगी उनसे लड़ाई लड़ू, तो मेरा जो धर्म है गुरु के प्रति, वो मेरा जो गुरु का धर्म है वो पितामह का धर्म है वो, और भ्रातृ धर्म जो भाई है मेरे जो कजिन ब्रदर्स है मेरे चाचा के और ताऊ जी के बेटे हैं है ना धृतराष्ट्र जी के जितने भी हैं उनके प्रति मेरा जो कर्तव्य है जो मेरा धर्म है उस धर्म को मैं निभाना चाहता हूँ प्रभु, इसलिए मेरा माइंड खराब है मेरा दिमाग में संतुलन नहीं है, इसलिए आप मुझे बताइए मैं क्या करूं है ना। तब कृष्ण कहते हैं कि सर्व धर्मान प्रतिज्ञ, सब धर्मों को त्याग करके, अब उसमें धर्म और तो कोई नहीं होते थे। अब जैसे आजकल लोग कहते हैं जितने भी आपके वो हैं पंथ वगैरह हैं जितने भी इवन सनातन धर्म में से बहुत सारे पंथ निकल पड़े हैं, बहुत से लोग आप देखो तमाम धर्म जितने भी बाकी धर्म निकले हैं वो सनातन धर्म से निकले हैं, जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म है ना और सिखिज्म में ये भी सनातन धर्म से निकला हुआ है, इवन आजकल वो है एक राधा स्वामी धर्म चल पड़ा है अलग से, तो वो भी पंथ है वो किससे निकला है सनातन धर्म से निकला। सनातन धर्म की सभी ये शाखा है, सनातन धर्म एक वृक्ष है, बट वृक्ष से सरदारी बोल रहे थे कि सनातन धर्म एक बट वृक्ष है, बट वृक्ष है उसकी जितनी शाखाएं निकली हुई है इंडिया में जितने भी धर्म है वो सभी धर्म और जितने भी पंथ है वो सब इससे निकले हुए, इसलिए जो सनातन धर्म है उसका जो बट वृक्ष है उसमें से जितने भी निकली है शाखाएं वो सभी शाखाएं इसी से निकली हैं। अब कोई लोग कुछ किसी को फॉलो करते हैं, कोई किसी को फॉलो करते हैं, उनकी उनकी अपनी मर्जी अलग, अपने एक अपने धर्म के हिसाब से, अपने ड्यूटी के हिसाब से, अपने अपने जो भी गुरु था उस गुरु के हिसाब से उन्होंने धर्म बना लिया, इस तरह से लोग चल पड़े। तो इसमें कोई बुराई नहीं, आप कर सकते हैं जो भी करिए, लेकिन ये धर्म जो होता है धर्म का मतलब ड्यूटी आपकी, जो कर्तव्य है आपका किसी के भी प्रति, राष्ट्र के प्रति हो सकता है, जैसे राष्ट्र धर्म है, पितृ धर्म है, मातृ धर्म है, भ्रातृ धर्म है, पितामह धर्म है, पितामयी धर्म है, तो जितने भी धर्म है वो सब धर्म इन धर्म को बोलते हैं। इसलिए अर्जुन बार बार कहता था जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में अर्जुन ये कहता है कि प्रभु मैं इन चीजों को नहीं करूंगा, मेरे धर्म है, मेरा गुरु धर्म क्या है, मेरे पितृ धर्म क्या है, मेरा पितामह धर्म क्या है, पितामह मुझसे लड़ाई करेंगे, क्या मैं उनको मारूंगा, उनका मारना मेरा धर्म नहीं है, इसलिए मैं उनको बचाऊंगा। तब कृष्ण कहते हैं उनसे सर्वधर्मान प्रतिज्ञ, सभी धर्मों को त्याग करके प्रतिज्ञ करके, सर्वधर्मान प्रतिज्ञ मामेकम शरण में जाओ, मुझ एक की शरण में आ जाओ, यानी एक सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, या अभी यानी एक धर्म फॉलो करो, यानी मेरी शरण में आ जाओ, जो मेरे प्रति आपका जो धर्म है, जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ, जो मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, सारथी हूँ आपका, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपको बचाऊंगा, मेरा बचाने का काम है आपको भी, मैं एक सिर्फ आपको बता दूंगा और बचाऊंगा, इसलिए बाकी जितने धर्म हैं उनको छोड़ करके, अब ये नहीं कह रही हूँ बाकी धर्म जो फॉलो कर रहे हैं संसार में लोग, ऐसा नहीं, उसमें धर्म तो कोई था ही नहीं और है ना, सिर्फ ये जो ड्यूटी थी अर्जुन उनके लिए कह रहा था कि मेरे गुरु के प्रति जो धर्म है, गुरु मुझसे लड़ाई करें क्या मैं उनको मारूंगा, मेरा प्रति उनका धर्म नहीं, इन धर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम सब पापों से मुक्त कर दूंगा है ना। सब धर्मान प्रत्यक्ष मामेकम शरण प्रत्यक्ष अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मोक्षयिष्यामि मा शुच, इसलिए तुम रोदन मत करो, रो मत, इसलिए तुम इन सब चीज को छोड़ कर भी सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें इन सब चीजों से दूर कर दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ठीक है ना। वो ये कहते हैं उसमें, ये नहीं कह रहे कि मैं एक हूं मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा नहीं। एक सज्जन जो थे जो काफी झगड़ा करते थे इस श्लोक के ऊपर, वो कहते थे कृष्ण जी कह रहे कि मैं एक हूं मेरी शरण में आ जाओ, अरे कृष्ण ये नहीं कहा कि मैं एक हूं, ये कहने कि मुझे एक ही शरण में आ जाओ, यानी बाकी सभी चीजों को रास्तों को छोड़ करके मेरे रास्ते में आ जाओ, अब ये नहीं कह रहे मैं एक हूं मेरे रास्ते में जाओ, वो बार बार ये इम्प्रेस करते थे, बचपन में जहां रहते थे वो डिस्कशन करते रहते थे इन चीजों पर, तो हम लोग भी डिस्कस करते थे, तो मैं ये कहता था कि नहीं, वो ये कह रहे हैं
वहां पे लिखा भी था, गीता के अंदर भी ये दिया हुआ है, यू हैव टू कम टू ओनली इन माय इन माय इन पाथ और टू मी मी ओनली, मतलब एक रास्ता मेरा है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें करूंगा अच्छा करूंगा, क्योंकि सारथी हूं मैं आपका, और एज ए सारथी मैं आपकी अच्छा करने मेरा धर्म, मैं जो मेरा धर्म है आपके प्रति इस समय, तो वो मैं फॉलो करूंगा, मैं आपको बचाऊंगा, बाकी जो धर्म है उनको छोड़ करके, ये कहते हैं धर्म मतलब ड्यूटीज, बाकी ड्यूटी छोड़ करके पॉइंट। तो इस तरह से अब दूसरा एक पॉइंट, एक जैसे उसने पूछा है रेस्पोंडेंट ने, जो भी सब्सक्राइबर उसने पूछा है कि सर ये बताइए कि ये जो सात प्रक्रमाएं आप लेते हैं शादी के टाइम पर, शादी के टाइम पर सात प्रक्रमाएं क्यों करते हैं, सात सात मतलब फेरे क्यों लेते हैं, सात फेरे सात राउंड क्यों लेते हैं, सात राउंड क्यों लेते हैं है ना अग्नि के चारों तरफ। और देखिए जो सातवां जो नंबर सात नंबर है, इस सात नंबर से अगर 360 डिग्री को डिवाइड करोगे, क्योंकि एक पॉइंट पर यानी ये जो अग्नि वेदी चल रही है उस अग्नि वेदी पर एक पॉइंट है, चारों तरफ से घूमोगे तो 360 डिग्री का एंगल बन जाता है टोटल, टोटल कोणों का नंबर जो टोटल सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को 7 से डिवाइड करोगे, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ये होल नंबर नहीं है, कितना आएगा 7 5 35 5 टाइम्स, फिर बचा 1 10 हो गया, 7 1 7 51 भाग गया पूरा पूरा पॉइंट, अब बचेगा 3, अब 3 बचता है, अगर 3 बचा क्योंकि 10 में से 7 गया तो 3 बचा, तो 3 30 मान 30 को भाग दिया 7 से 7 चौक 28 4 बार भाग दिया बचा 2, फिर 7 दूनी 14 6 बचे, 20 में से 20 में से 14 के 6 बचे 60 हो गया, 70 56 होता है 56 56 4 बचा 40 हो गया, 7 5 35 5 बचा, 70 49 हुआ 50 में से 5 बचा तो 50 हो गया ना, 49 7 7 49 49 हो गया 49, फिर 1 बचा फिर 1 बचा, 1 को भाग दिया फिर 7 से फिर 1 बार गया, अब फिर 3 बचा 10 में से 7 के 3 बचा, फिर ये रिपीट होगा सेम नंबर, यहां से ये नंबर रिपीट हुआ, फिर 4 आएगा फिर 2 आएगा फिर 8 आएगा फिर 5 आएगा 7 आएगा, फिर रिपीट होता रहेगा, यानी ये नॉन एंडिंग नंबर है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, 7 नंबर इसको पूरी तरह से अभाज्य नंबर है, ये 7 से 360 डिग्री 7 से अभाज्य, इसलिए कहा गया है विष्णु ने कि 7 प्रदक्षिणा करने से अग्नि के फेरे लेने से जो शादी होती है वो शादी अक्षुण हो जाती है, वो उसमें विघ्न नहीं आता, 7 बार प्रदक्षिणा करने से अग्नि को साक्षी करते हुए ईश्वर का नाम लेकर जो भी मंत्र पढ़ते हैं उसमें पुजारी लोग, तो वो जो मंत्रों में जो कहा गया है वो 7 बार प्रदक्षिणा करने से 7 का मतलब ये है, बाकी नंबर देखिए 1 से लेके 9 तक 1 4 5 6 7 हमने ले लिया 8 9, इन सबसे ये 360 डिग्री भाग हो रहा है मतलब विभाजित हो रहा है, देखिए कैसे भाग देते हैं, 1 से तो डिवाइड हुआ 360 डिग्री बार गया, 2 से भाग देंगे तो 180 बार भाग जाएगा पूरा पूरा, यानी 180 बार पूरा पूरा कट गया पूरा पूरा भाग गया, 3 से भी डिवाइड करेंगे 120 हो गया, 3 × 3 × 3 = 6 120 बार भाग गया, 4 से भाग गया 90 बार गया, 4 × 9 = 36 होता है 90 हो गया, 5 से भाग दिया 5 × 7 = 35 बचा 1 10 हो गया 5 × 10 तो 5 × 7 = 2 बेहतर टाइम से गया भाग, ठीक है 5 × 5 = 35 7 बार बचा 1 10 हो गया 5 × 10 तो बेहतर हो गया, 5 से 72 बार गया भाग, 6 से भाग दिया 6 से भाग दिया 6 × 36 60 बार गया पूरा 60 टाइम्स भाग हो गया 6 से 6 से 60 बार भाग गया, 8 से देखिए 8 × 32 8 × 5 = 40 8 × 32 4 बार गया 32 हुआ 8 से भाग दिया तो बचा कितना 36 में 32 गया 4 × 40 हो गया 8 × 5 = 40 45 बार × 8 करोगे तो 8 से भी पूरा पूरा भाग हो रहा 360 डिग्री तो 8 से भी पूरा पूरा भाग गया 45 बार 8 × 5 = 40 0 8 × 32 = 4 36 पूरा पूरा यानी 45 बार 8 से ही भाग जा रहा है पूरा पूरा इसका मतलब 8 से भी डिवाइड हो जाता है 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए 7 प्रतीक्षा करने से जो शादी में हम अग्नि की प्रतीक्षा करते हैं अग्नि की जो वो लेते हैं अग्नि को साक्षी रख करके ये 7 प्रतीक्षा की जाती है इसका मतलब शादी में विघ्न नहीं आएगा शादी विघ्न रहित रहेगी पहला ये तो ये दूसरा पॉइंट था पहला पॉइंट मैं क्या मैचिंग ऑफ दी हॉर्स को
कुंडलियों का मिलान जो करते हैं दूल्हा दुल्हन का, तो कुंडलियों में अगर अच्छे गुण मिल जाते हैं, पहला प्रमुख तो वही होगा, ये दोनों की नेचर काफी मिलती है।